साल 1983, 11 अप्रैल की तारीख, अमेरिकन टॉक शो होस्ट बॉबी वाइगेंथ एक इंटरव्यू ले रही थी। सामने थे एक ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर, 20 साल से एक फिल्म बना रहे थे। अब आखिरकार उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही थी। बॉबी ने उनसे पूछा कि आपने इस फिल्म पर 20 साल तक काम किया है, क्या आप लगता है कि इसे रिलीज करने का ये सही समय है? डायरेक्टर का जवाब था, शॉर्ट में कहूँ तो हाँ, कुछ प्रैक्टिकल कारणों की वजह से मुझे लगता है कि एक उफान आ रहा है, खासतौर पर युवाओं में। एक इच्छा जाग रही है ये जानने की कि अगर हम अपने फंडामेंटल एटीट्यूड में बदलाव नहीं करते हैं तो इस दुनिया का क्या होगा, एक देश दूसरे देश के साथ कैसे रहेगा। इस सवाल का जवाब गांधी है। ये शख्स थे रिचर्ड एटनबरो, फिल्म डायरेक्टर। जिस फिल्म पर वो 20 साल से काम कर रहे थे उसका नाम था गांधी। रिचर्ड मानते थे कि जब ऊर्जावान युवा मौलिक स्तर पर मतभेद से जूझे, जब अनिश्चितताओं से भरा भविष्य उन्हें आशाहीन लगने लगे, तब वो गांधी की तरफ मुड़े, प्रेरणा ले एक हार्ड मांस के इंसान से जो ईश्वर नहीं था, जो अपने आदर्शों पर दृढ़ता से चला। गांधी जैसी फिल्म सिर्फ किसी एक साल या कालखंड में रेलेवेंट नहीं रह सकती, ये आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी अपनी रिलीज के वक्त थी। सारी लोक गाथाओं से परे एक इंसान की कहानी दिखाने वाली फिल्म, ऐसा इंसान जिसमें खामियां थी, वो परफेक्ट नहीं था फिर भी महात्मा बना। गांधी फिल्म को अक्सर कुछ खास बातों के लिए जाना जाता है, कैसे उसने 8 श्रेणियों में ऑस्कर अवार्ड जीता, कैसे फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली भानु अथैया पहली भारतीय थी, कैसे फिल्म के एक सीन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा दिया, जहाँ पहली बार किसी सीन में करीब 4 लाख लोग एक साथ नजर आए थे। ये वो दौर नहीं था जब विजुअल इफेक्ट्स की मदद से आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर सके। खैर, गांधी सिर्फ इन किस्सों से पहचाने जाने वाली फिल्म नहीं है, इसलिए आज हम परिचित होंगे फिल्म से जुड़े कुछ सुने अनसुने और कम सुने किस्सों से। कैसे रिचर्ड एटनबरो 20 साल तक अपने सपने को पाल सके, कांग्रेस के समर्थन के बावजूद गांधीवादी फिल्म का बहिष्कार क्यों कर रहे थे, नेहरू ने एटनबरो से कौन सी मार्मिक बात कही थी, ऐसे ही और किस्से जानेंगे। ये पहला पार्ट है। गांधी फिल्म 3 लोगों को समर्पित की गई, मोतीलाल कोठारी, लुई माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू। इतिहास के ये 3 किरदार रिचर्ड से कैसे जुड़े वो भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। साल 1962 में रिचर्ड एटनबरो को एक फोन आया, दूसरी ओर थे मोतीलाल कोठारी, लंदन में रहने वाले एक गुजराती शख्स। ये दोनों लोग एक दूसरे से अनजान थे, फिर भी मोतीलाल ने रिचर्ड से एक रिक्वेस्ट की कि आप महात्मा गांधी पर एक फिल्म बनाइए। रिचर्ड को बात थोड़ी अजीब लगी, फिर भी वो मोतीलाल से मिलने को राजी हो गए। मोतीलाल मिलने आए पर खाली हाथ नहीं, उनके हाथ में थी एक किताब, अमेरिकन राइटर लुई फिशर की गांधी पर लिखी बायोग्राफी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। मोतीलाल व्यक्तिगत रूप से फिशर को जानते थे, उन्होंने फिशर की किताब रिचर्ड को थमा दी। रिचर्ड ने वादा किया कि मैं इसे जरूर पढ़ूंगा, वादा पूरा भी किया। नतीजा ये निकला कि वो बेचैन हो उठे, अब वो किसी भी तरह गांधी पर फिल्म बनाना चाहते थे। फिर से मोतीलाल ने सहायता की, उन्होंने रिचर्ड को लुई माउंटबेटन से मिलने को कहा। माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, जवाहरलाल नेहरू से उनके संबंध भी अच्छे थे। उन्होंने रिचर्ड को सुझाया कि गांधी को नेहरू से बेहतर कोई नहीं जानता, उनसे जाकर मिलो। 1963 में रिचर्ड दिल्ली पहुंच गए, उन्होंने नेहरू को अपना विजन बताया, अप्रूवल मांगा, जो उन्हें मिल भी गया। बस नेहरू ने उन्हें एक सुझाव दिया। नेहरू ने कहा, गांधी में तमाम खामियां थी, रिचर्ड हमें वो दो, वही किसी इंसान की महानता की पहचान होती है। रिचर्ड अपने इंटरव्यूज में एक और बात अनेक बार दोहरा चुके हैं जो उनके जहन में बस गई थी। रिचर्ड चाय पर नेहरू से मिलने गए, बातचीत हुई, नहीं जानते थे कि ये उनकी नेहरू से आखिरी मुलाकात होगी। खैर, चाय पीकर वो बाहर निकले, टैक्सी ढूंढ रहे थे, तभी पीछे से नेहरू सीढ़ियां उतरते हुए आए। रिचर्ड से कहा, रिचर्ड एक और बात, तुम्हारी फिल्म में उन्हें ईश्वर की तरह मत दिखाना, हमने यहां उनके साथ यही किया है, वो ईश्वर बनाए जाने के लिहाज से बहुत महान इंसान थे। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, गांधी फिल्म बनाने की उम्मीद भी ठंडे बस्ते की ओर जाती दिखने लगी। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लंबे समय तक गांधी पर कोई अपडेट नहीं आया। रिचर्ड अपना खर्चा निकालने के लिए एक्टिंग रोल्स को हां करने लगे, फिर भी गांधी बनाने का ख्याल उनके मन से गया नहीं। बीच बीच में खबर सुनने को मिलती कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी कमाल फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर डेविड लीन गांधी पर भी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन ये बातें हवा हवाई साबित हुई। अब तक रिचर्ड के करियर का दूसरा दशक आ चुका था,
गांधी बनाने की इच्छा उतनी ही प्रबल थी। वो स्टूडियो से मिलने लगे फिल्म का बजट जमा करने के लिए। रिचर्ड लोकेशन पर जाकर फिल्म शूटिंग करना चाहते थे, इसलिए खर्चा तो मोटा ही आना था। फिल्म के लिए प्रोड्यूसर मिल तो गए, लेकिन फिर भी बजट पूरा नहीं हो रहा था। ऐसे में रिचर्ड ने भारत सरकार से मदद मांगने की सोची। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे। इंदिरा जानती थी कि रिचर्ड नेहरू से अप्रूवल ले चुके हैं, ऐसे में उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं दिखाई, बल्कि इंदिरा ने एक कदम आगे जाकर रिचर्ड की मदद की। तय हुआ कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NFDC गांधी के बजट का एक तिहाई हिस्सा लोन के रूप में देगी। ये रकम थी करीब $7 मिलियन, उस समय के हिसाब से करीब 7 करोड़ रुपए। इंदिरा सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई। सबसे पहला विरोध जताया गांधीवादियों ने। गांधी की मेकिंग पर एक आर्काइव वीडियो है जहां रिचर्ड बताते हैं कि गांधीवादी नहीं चाहते थे महात्मा गांधी पर फिल्म बनाई जाए। फिल्म के विरोध में चिट्ठियां लिखी गईं। एक चिट्ठी में लिखा गया कि कोई इंसान गांधी नहीं बन सकता, अगर आपको फिल्म बनानी है तो उनके किरदार को रोशनी के रूप में दिखा सकते हो। देखते ही देखते ये फिल्म संसद में बहस का मुद्दा बन गई। फिल्म की मंशा पर सवाल उठे। सरकार से पूछा गया कि आप क्यों खर्च उठा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में जिक्र मिलता है कि पैट्रियट नाम के लेफ्ट विंग अखबार को गुस्साई जनता ने चिट्ठियां भेजी। लिखा कि ब्रिटेन और अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं ताकि हमारे कल्चर को लूट कर मुनाफा कमा सके। उन्होंने ठीक ऐसा ही हमारे बाघों की चमड़ी और हाथी दांत के साथ भी किया था। गांधी को लेकर रोष सिर्फ गांधीवादियों और नेताओं तक सीमित नहीं था। मुजफ्फर अली, बासु चटर्जी, गिरीश कर्नाड और सईद मिर्जा समेत 20 दिग्गज इंडियन डायरेक्टर्स ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, जहां उन्होंने सरकार के फिल्म पर पैसे लगाने के फैसले की आलोचना की। मामला सिर्फ चिट्ठियों तक नहीं रहा, कोर्ट तक भी पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिचर्ड के खिलाफ याचिका दायर की गई। हालांकि उसका नतीजा रिचर्ड के पक्ष में ही आया। तमाम विरोध के बावजूद उन्हें भारत सरकार से हरी झंडी मिल चुकी थी। अपने विरोधियों को सरकार ने बस एक लाइन का जवाब दिया, अगर किसी अंग्रेज के गांधी पर फिल्म बनाने से इतनी ही आपत्ति है तो हमने अब तक उन पर कोई भी फिल्म क्यों नहीं बनाई। लोग विरोध करते रहे, फिल्म बनती रही। आज के एपिसोड में बात यहीं तक। अगले और अंतिम एपिसोड में हम जानेंगे कि गांधी के रोल के लिए बेन किंग्सले कैसे फाइनल हुए, कैसे उन्होंने इस रोल के लिए तैयारियां की और कैसे नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल जैसे दिग्गज एक्टर्स के साथ धोखा हो गया। आप देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा।